हिंदू महासभा आपका स्वागत करती है। हम मंदिर के दरवाजे आपके लिए खोलते हैं, आप नमाज अदा कीजिए। हिंदू महासभा स्वागत कर रही है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, लेकिन आपको मस्जिद के दरवाजे भी खोलने पड़ेंगे। वहाँ पे हनुमान चालीसा, गीता का पाठ, रामायण का पाठ स्टार्ट करवाइए ना। ये गंगा जमुनी तहजीब होगी ना, सद्भावना होगी ना। ये तो नहीं है कि मैं आपकी टोपी पहन लूँ और आप मेरा तिलक न लगाए। कौशिक साहब नमस्कार, इंटरव्यू देने के लिए सबसे पहले आपको धनतेरस की बधाई। आज हम जो बात कर रहे हैं बिहार इलेक्शन को लेके बात कर रहे हैं, बिहार इलेक्शन में आपने देखा कि AIMM ने 5 सीटें निकाली हैं, तो आपको क्या लगता है कि अभी जो मुस्लिम समुदाय है वो कांग्रेस को छोड़कर OBC की पार्टी की तरफ ज़्यादा बढ़ता जा रहा है? बिल्कुल सही कहा आपने, कांग्रेस का तो पत्ता धीरे धीरे करके गोल होने वाला है और कांग्रेस की वो हालत होने वाली है कि ना वो हिंदू की पार्टी रहेगी ना वो मुसलमान की पार्टी रहेगी। क्योंकि कांग्रेस के अंदर आज एक भी नेता ऐसा नहीं है जो जनता की नवज पहचान सके। लेकिन हमारे लिए दुर्भाग्य है कि जैसे ओवैसी धीरे धीरे करके अलग अलग स्टेटों में पांव जमाता जा रहा है और वो जब भी बोलता है जहर उगलता है, देश के प्रति हो, राष्ट्र के प्रति हो, धर्म के प्रति हो, और बात जब भी करेगा संविधान की करेगा। ये बड़ा आश्चर्य की बात है, मेरे को जब हंसी आ जाती है जब ओवैसी संविधान की बात करता है। अरे अगर आप संविधान की बात कर रहे हो तो संविधान ने तो सबको बराबर का हिस्सा दिया है ना, फिर आप अल्पसंख्यक मोर्चा क्यों बनवाया हुआ है? आप मांग उठाइए कि इसको ख़त्म किया जाए, अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा। तो ये देश के लिए दुर्भाग्य है और हमारे लिए भी दुर्भाग्य है कि बिहार जैसे राज्य में 5-5 सीटें आना ये चिंता का विषय है, मंथन का विषय है। इस पर हम चिंता भी व्यक्त कर रहे हैं और मंथन भी कर रहे हैं कि कैसे एक अलगाववाद ओवैसी जो पैदा कर रहा है, तो जो हमारे देश का संविधान है सबको बराबर का अधिकार देता है, लेकिन ये जहाँ हक की बात होगी वहाँ संविधान को नहीं मानते, वहाँ इस्लाम को मानते हैं। और जहाँ इनको लगेगा कि इस्लाम से हमें थोड़ा सा, तो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाते हैं ये और फिर सीधा संविधान पे आ जाते हैं। अगर इसे सीधा सीधा एक क्वेश्चन कर लिया जाए कि आप ये बताइए कि सबसे पहले संविधान है या इस्लाम है, वहाँ पर बंगले झांकने लग जाते हैं, सीधा उत्तर नहीं देंगे। तो इसलिए ये बड़ा चिंता का विषय है कि बिहार में और जैसे महाराष्ट्र में भी इनकी सीट आई और ये जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं ये हमारे देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जी देखिए कौशिक साहब, जब बात आती है रेडिकलाइजेशन की, ठीक है, बहुत सारे हिंदू ग्रुप हैं, बहुत सारे मुस्लिम ग्रुप हैं, पर ऐसा क्या कर रही है AIMM या OBC जो मुस्लिम इतने ज़्यादा रेडिकलाइज हो रहे हैं उस चीज़ को लेके? आपने अभी देखा कि फ्रांस का जब राष्ट्रपति की विरोध करने की बात आई तो उन्होंने पैरों से पोस्टर लगा दिए महाराष्ट्र के अंदर, तो ऐसा क्यों हो रहा है, किस तरह की ये भावनाएं पैदा की जा रही हैं? नहीं, ओवैसी का तो सीधा सीधा फंडा है, सही अगर दिल से पूछो ना उसको भी मुसलमानों से कोई लेने देने नहीं है। एक दुकान खोली है उसने और टोटल मुसलमानों के लिए, और मुसलमान उसके बहकाए में आ भी रहे हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ वो TV पे जहर उगलता है और देश के अंदर हालात आपको पता ही है कि कितना कठिन हो गया है। आज इलेक्शन हिंदू और मुसलमान के नाम पे होने लगा है और मुसलमान मेजोरिटी बढ़ती जा रही है, तो वो टारगेट करता है उन सीटों को जहाँ 50% से ऊपर मुसलमान है। क्यों? कि अगर वो चाहता है कि राज्यों में उनका खाता खुले और वो राष्ट्रीय पार्टी बने और जो हमारे देश में एक संविधान की व्यवस्था है उसका हिस्सा बनकर देश के पार्लियामेंट के अंदर बैठकर कैसे वो अलग इस्लामिक स्टेट की बात कर सकता है या करेगा, ये उसकी प्लानिंग है। जी देखिए शिवसेना के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, 70 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ी बिहार के अंदर, 70-70 पर जमानत जब्त हो गई शिवसेना की, तो आपको क्या लगा है कि अब हिंदू जो है वो जागरूक हो रहा है और जो शिवसेना जो एक हिंदू वाली पार्टी कही जाती थी उसको अब हिंदुओं के खिलाफ ही यूज़ किया जा रहा है? देखो जो शिवसेना हिंदुओं की पार्टी कहलाई जाती थी वो तो तमंगा जो लगा था हिंदूवादी का वो तो उनको तिजांजलि दे दी उसने,
उसको ना हिंदू से मतलब है, ना मुसलमान से मतलब है, ना ईसाई से मतलब है, उसको सिर्फ कुर्सी से मतलब है। लेकिन जैसा बिहार का नतीजा आया है, बिहार के लोग एकजुट हुए, बिहार ने इस बात को समझा कि देश को कोई आगे ले जा सकता है, देश के भविष्य के बारे में कोई सोच सकता है, तो वो सिर्फ मोदी है। और देखा होगा कि सबसे बड़ी पार्टी के रूप में बीजेपी बिहार में उभरी है। वही हाल महाराष्ट्र का होने जा रहा है। जैसे कांग्रेस आज देश की नबज नहीं पहचान रही है, मुझे लग रहा है कि शिवसेना भी, ये शिवसेना के अंदर भी कोई इतना समझदार नेता नहीं है कि जो आज देश की नबज पहचान सके। और जब देश की नबज नहीं पहचानेंगे तो मरज नहीं मिलेगा, और मरज नहीं मिलेगा तो इलाज नहीं होगा। वही हाल शिवसेना का होने जा रहा है, जैसे बिहार में हुआ है। अभी महाराष्ट्र में अगर इलेक्शन आज गलती से हो जाए तो मुझे लगता है कि शिवसेना का खाता भी नहीं खुलेगा। जी देखिए, मेरा एक क्वेश्चन आपसे ये है कि अर्णब गोस्वामी को अभी सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है, पर जिस तरह से शिवसेना कार्रवाई कर रही है, कभी कंगना रनौत पे, कभी अर्णब गोस्वामी पे, तो एक सरकार की तरह तो नहीं, एक बदले की भावना में कार्रवाई कर रही है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखो, सरकार जो शिवसेना की है वो सिर्फ नाम मात्र की है। उसके साथ कौन है? NCP, जो जग जाहिर है कि NCP के दाऊद से रिश्ते रहे हैं। उसके साथ कौन है? कांग्रेस। कांग्रेस का भी आपको जग जाहिर है कि वो हिंदूवादी पार्टी तो है नहीं। तो हिंदुओं के खिलाफ जितने भी कार्य वो करवा सकते हैं, कर सकते हैं, वो कर रहे हैं। चाहे वो साधुओं की हत्या का मामला हो, चाहे अर्णव की गिरफ्तारी हो। अर्णव का कसूर क्या था? उसने साधुओं की जो हत्या हुई थी वो प्रमुख रूप से दिखाया, कंगना को दिखाया, क्योंकि पत्रकार का काम है दिखाना। अगर वो नहीं दिखाएगा तो उसकी तो पत्रकारिता नहीं चल पाएगी। तो अर्णव जी अपना कार्य कर रहे थे, लेकिन सरकार का काम नहीं कर रही है। और वो जैसे पर्सनल दुश्मनी पे लोग आ जाते हैं ना, तो वो कर रही है, जबकि सरकार का काम होता है सबका साथ सबका विकास करने का। अब वो शिवसेना सिर्फ NCP और कांग्रेस के इशारे पर काम कर रही है, और उनकी पिछलग्गू पार्टी बन गई है। बेशक से CM शिवसेना का है, लेकिन सरकार NCP और कांग्रेस ही चला रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर। जी देखिए, मेरा एक क्वेश्चन ये है, जिस तरह से OBC मुस्लिमों को रेडिकलाइज कर रहा है, आप लोग क्या कर रहे हैं कि उस चीज़ को उससे अवेयर करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों को, हिंदू संगठन क्या कर रहे हैं? सर सच बताऊं, हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, सारा काम आप लोग कर रहे हैं। चाहे NCR का धरना प्रदर्शन हो, चाहे ये COVID-19 में क्या बोलते हैं उसको, जो अभी ये मुसलमान जितने भी कौन सी संस्था थी ये, जो अभी दिल्ली में जो सारे के सारे मुसलमान इकट्ठे हुए और सारा का सारा उन्होंने दिखाया, तो वो सारा मीडिया कर रही है और जनता उसको देख रही है। हमारा काम तो सिर्फ इतना है कि हम अपनी पूरी आस्था के साथ, पूरे विश्वास के साथ सनातन धर्म की डोर पकड़े रहें, और जो अनजान लोग हैं उनको बताएं कि सनातन धर्म क्या है, कहाँ से आया है। और जो सत्य सनातन है ना, वो पैदा नहीं हुआ, कुदरत की देन है। और जो कुदरत की देन होती है ना, तो वो कभी व्यर्थ नहीं जाती, जाया नहीं जाती। जो पैदा होता है वो मरता है। तो ये सिर्फ हमें बताने की ज़रूरत है। जितने भी हिंदू संगठन हैं, हम जाएँ, गोष्ठियाँ करें जगह जगह, गली में, मोहल्लों में, डिस्ट्रिक्ट में, तो सिर्फ ये बताएं कि सत्य सनातन जो धर्म है वो पैदा नहीं हुआ है, और जो पैदा नहीं हुआ है तो मरता भी नहीं है। चाहे इस्लाम हो, चाहे ईसाइयत हो, इनकी एक डेट है जी। वो पैदा हुए हैं, और जो पैदा हुए हैं उनको जाना है। तो ये इतना जागरूक हमें सिर्फ करना है देश की जनता को। जी सर, मेरा अंतिम प्रश्न आपसे ये है कि अभी आपने देखा कि मथुरा के अंदर एक घटना घटी जिसमें एक व्यक्ति आके एक मंदिर में नमाज पढ़ लेता है, तो इस तरह की जो कार्य किए जा रहे हैं उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, कार्य सीधा सीधा है, इस्लाम का एक ही फंडा है, मैं बार बार कहता हूँ, पूरी दुनिया को इस्लामिक बनाना, भारत को इस्लामिक देश बनाना, और उस एजेंडे पे वो कार्य करते हैं। आपने देखा होगा कि कोई भी कार्य हो, चाहे वो दिल्ली का दंगा हो, चाहे धरना प्रदर्शन हो, चाहे ये नमाज पढ़नी हो, कहीं ना कहीं सबके तार एक चीज से जुड़े हुए हैं, एक जड़ से ये लोग जुड़े हुए हैं, सब कुछ वहीं से चलता है, चाहे वो PPF हो या और जो भी मुसलमानों के संगठन हैं। ये सबका एक छुपा हुआ एजेंडा है, और ये देख रहे थे
कि हिंदू कितने आक्रोशित होते हैं या हिंदू क्या करते हैं, और मुझे बड़ी खुशी की बात है कि उसका जवाब दिया गया। इन्होंने हमारे मंदिर अपवित्र करने का प्रयास किया तो हमारे हिंदू वीरों ने मस्जिद में जाकर हनुमान चालीसा पढ़ी। और मैं बल्कि आपके माध्यम से आह्वान भी करना चाहता हूँ मुसलमानों से कि वाकई में आप गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हो, सद्भावना की बात कर रहे हो, जैसे कि वो मस्जिद मंदिर में नमाज पढ़ने के बाद उसने बोला था, तो आइए। तो एक तरफा से नहीं, आप चाहे कि मैं सिर्फ टोपी पहन लूँ तो वो संभव नहीं है। अगर मुझे टोपी पहनानी है तो तिलक आपको भी लगाना पड़ेगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और नहीं तो ये झूठे ढकोसले बंद कीजिए और सीधा सीधा खुल के बोलिए कि भैया हम इस्लाम के मानने वाले लोग हैं, इसके अलावा कोई भी लोग है तो काफिर है, और काफिर का कत्ल इस्लाम के अंदर पुण्य का कार्य बताया गया है। तो आप अपने पुण्य का कार्य कीजिए और वो परमात्मा देख रहा है कि आप कैसा पुण्य का कार्य कर रहे हैं, आपका सफाया होना निश्चित है। तो एक तरफा नहीं चलता है, दोनों तरफा चलता है। तो वाक्य में अगर आपको ओवैसी साहब सद्भावना दिखानी है, संविधान में विश्वास है, तो आइए मेरे साथ मंदिर में चलिए, नवाज अदा कीजिए, मैं आपके साथ मस्जिद में चलता हूँ, हनुमान चालीसा का पाठ करूँगा, रामायण का पाठ करूँगा, गीता का पाठ करूँगा, और विश्व देखेगा कि इस्लाम क्या धर्म है। लेकिन ऐसे नहीं, दिखाइए, बोलने से काम नहीं चलेगा, करने से काम चलेगा, कुछ करिए। मैं आपके स्वागत के लिए आपके इंतज़ार में हूँ, और आपकी तरफ से मुझे कोई मैसेज मिले उसका भी मुझे इंतज़ार है कि वाकई में दिखाइए कि सद्भावना क्या होती है, गंगा जमुनी तहजीब क्या होती है।